In this video, we will learn about cell references in MS Excel. It is very important topic. And how many cell references we have? Number 1, relative reference. Number 2, absolute reference. Number 3, mixed reference. Means you will get 3 references here with the full explanation and with exercise also. Okay, so let's begin. तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन की हुई है विद वन एग्जांपल, जिसमें हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस? रिलेटिव रेफरेंस इज अ रिलेटिव एड्रेस दैट इज ऑटोमेटिकली चेंजेस इफ यू कॉपी अ फॉर्मूला टू अ न्यू लोकेशन ऑन अ वर्कशीट। ओके, तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ये है थियोरी, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आता है बट कम्प्लीटली समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करना करता है। जैसे मैग्नेट होती है जो एक चीज से दूसरी चीज को जस्ट चिपकाती है, उसी टाइप से रिलेटिव रेफरेंस है। जैसे अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो उसमें क्या होता है, डी तो आपका अनचेंजेबल रहता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर रो नंबर क्या है, आप यहाँ से चेक कीजिए, रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, रो नंबर 5 है। जब आप फॉर्मूला लगाकर इसे ड्रैग करोगे तो रिलेटिवली ये चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, C3 D3, C4 D4, इट मींस C और D चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, ओनली रो नंबर, बिकॉज हम टॉप टू बॉटम जाने वाले हैं। एक मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, उसे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रेवलिंग अलाउंस निकालना है, गेट करना है, यहाँ पर नोट भी दिया है, टी ए इज गिवन 10% ऑफ बेसिक सैलरी टू ईच एम्प्लॉय, तो 10% हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी पुट इज इक्वल टू एंड C3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, दिस इज अ फॉर्मूला टू गेट द 10%। ओके, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला C3 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, अगेन मैं क्या करता हूँ, अगेन सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाना होगा, इज इक्वल टू C4 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C तो सेम रहेगा लेकिन उसका जो नंबर है वो चेंज होना चाहिए। जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप चेक कीजिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है, D तो सेम है लेकिन 3, 4, 5, 6 ये चेंज हो रहा है। तो कंप्यूटर में एक एडवांस कोडिंग किया हुआ है, वो क्या है कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ऑटोमेटिकली रो चेंज होना चाहिए। ओके, ये तो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। व्हाट अबाउट जब हमें चेंज नहीं करना है, उसके लिए दूसरा रेफरेंस आएगा। ओके, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको चेंज मिलेगा। अभी आप देखिए, ये हार्डवर्क करने की जगह पर यहाँ पर आप C3 यूज़ करोगे, यहाँ C4 यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ C5 यूज़ करना होगा, यहाँ C6 यूज़ करना होगा। सपोज आपके पास थाउजेंड्स रो हैं तो हमें थाउजेंड्स टाइम लिखना होगा। इससे अच्छा है कि आपके पास एक फैसिलिटी है, यहाँ अभी आप कर्सर देख रहे हो, ये डॉक्टर साइन जैसा कर्सर आ रहा है, जैसे ही आप यहाँ आते हो फोर हेडेड कर्सर आ जाता है, बट हमें ये दोनों यूज़ नहीं करने, हमें यहाँ पर आना है। ओके, सी हमें कौन सा कॉर्नर पिक करना है, हमें ये कॉर्नर पिक करना है। ओके, जैसे ही मैं ये कॉर्नर पिक करता हूँ, आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग करना है। ओके, तो रिलेटिवली ये जो फॉर्मूला है आप चेक कीजिए, यहाँ C5 हो गया है, यहाँ C6 हो गया है, C7 हो गया है, आप यहाँ से फॉर्मूला चेक कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर आपको 100 फार्मूला करके भी दिखाता हूँ,
उसे और बेटर समझ में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला टैब पर क्लिक करना है एंड यहाँ क्लिक करना है सो फॉर्मूला। तो जैसे ही आप सो फॉर्मूला क्लिक करते हो आपके पास ये फॉर्मूला शो हो जाता है। सी यहाँ पर C3, C4, C5, C6 वी हैव रिटन ओनली C3 और C4। जैसे ही मैंने ड्रैग किया ऑटोमेटिकली इसने मैग्नेट की तरह C5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ओके और जो सी था वो एज इट इज रहने दिया बिकॉज हमने कॉलम तो चेंज ही नहीं किया है। जब आप कॉलम चेंज करोगे तो ये रिलेटिवली कॉलम को भी चेंज करेगा, है ना। मैं यहाँ पर दोनों ही चीजें शो करने वाला हूँ कि किस टाइप से ये वर्क करेगा, ओके तो यहाँ पर फॉर्मूला हम हाइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर अपने इस पिक्चर में दोनों चीजें एक्सप्लेन की हुई है। आप देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम वाइज मेंशन किया हुआ है, 3 के बाद 4, आफ्टर 4 5, 5 के बाद 6, इस टाइप से ये रिलेटिवली चेंज कर रहा है। और सेकंड पॉइंट्स मैंने दिया है रो वाइज, ओके तो एक बार ये मैंने TA के बेसिस पर किया है। अभी और प्रैक्टिस करते हैं और अभी आपने जस्ट इस लेक्चर में सुना है, मैं चाहता हूं आप एक एक्सेल फाइल ओपन कीजिए, इस वीडियो को यहां पर पॉज करके ये टेबल आपको डिज़ाइन करना है और साथ में मेरे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ओके तो इतना तो आपने समझ लिया, आपको समझ में आया कि रिलेटिव रेफरेंस क्या मतलब है। यहाँ पर एक रिलेशन वर्क कर रहा है, जैसे सी के बाद डी आता, डी के बाद ई आता, ये क्या है, एक रिलेशन है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यही रिलेशन कंप्यूटर के माइंड में भी हमने फीड किया हुआ है, उसी के बेसिस पर ये काम करता है। तो अगेन सेम टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं टोटल सैलरी गेट करने के लिए। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर कि किस टाइप से ये वर्क करेगा, ओके तो यहाँ पर देखते हैं टोटल सैलरी गेट करेंगे। टोटल सैलरी गेट करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, C3 प्लस D3, जैसा मैंने अपने इस पिक्चर फाइल में मेंशन किया हुआ है, तो मैंने सेम चीज लिए हुए जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ही मैंने एंटर किया, ओके तो यहाँ पर टोटल सैलरी आ गया। आप यहाँ फॉर्मूल देख रहे हो C3 D3। अब यहाँ पर आपको C4 D4 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर C5 D5 की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो पॉइंट ये है कि अगर आप ये रेफरेंसिंग नहीं सीखना चाहते हो तो आप हार्डवर्क कर सकते हो, इज इक्वल टू करके ऑल फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिक ही ये वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखो C4 D4, जैसा मैंने यहाँ बताया था, जैसे फॉर्मूला कॉपी करते हो पेस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये यह है कि जो मैंने आपको ये प्लस साइन के बारे में बताया था, बस आपको ये ड्रैग करना है, ओके तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कभी भी ये हैश साइन आता है तो डरना नहीं है, एक्चुअली ये हम वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उसको कॉलेप्स करने के लिए हैश साइन आ जाता है, जस्ट आपको ये थोड़ा सा बड़ा करना है, वैल्यू ये आ जाएगा, ओके तो ये है रिलेटिव रेफरेंस। एक चीज और मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, इसे अंडू कर देते हैं, ये चीज हो गया, ओके तो पॉइंट ये है जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। दिस इज अनदर ट्रिक, विदाउट ड्रैगिंग यू कैन कॉपी द फॉर्मूला, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, जहां तक उसे वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ वैल्यू नहीं थी तो वो यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो ये डबल क्लिकिंग का भी एक फंडा है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ओके तो इस टाइप से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है यहाँ पर, देखिए सब में आपका चेंज हो गया लाइक दिस। तो रिलेटिव रेफरेंस से आपने क्या सीखा कि ये रिलेटिवली चेंज करता है। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो रो नंबर चेंज हो रहे हैं। अभी आप ये देखिए जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो रो नंबर चेंज हो रहे हैं, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कॉलम एज इट इज फिक्स रहेगा, रिलेटिवली ओनली रोज चेंज होंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, तो रो नंबर जो है 13 है
बट सी डी ई, तो इस केस में आपके कॉलम चेंज होंगे। तो चलो रो वाइज कॉलम की प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये सभी सैलरी का प्लस निकालना है, तो हम यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं सम, और ये मैं यहाँ पर रेंज दे रहा हूँ, आप इस टाइप से रेंज सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो ये आपका टोटल सैलरी आ गया। अब मुझे यहाँ पर भी निकालना है, तो सेम चीज लिखना होगा इज इक्वल टू सम और D3 to D12। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आपको क्या करना है, जस्ट इस पॉइंट को होल्ड करना है और ड्रैग कर देना है। अब ये रिलेटिवली कॉलम को चेंज करने वाला है। ओके तो देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया C3 C12 D3 D12 E3 E12, तो ये चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर C3 C12, यहाँ D3 D12 और यहाँ पर E3 E12 आ गया। तो इस टाइप से ये रो वाइज भी चेंज, ऑलवेज रिमेम्बर जब आप रो वाइज आओगे कॉलम ऑटोमेटिक चेंज होंगे, और जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज होगा, राइट रो नंबर। ओके तो ये प्रैक्टिस हुई रिलेटिव रेफरेंस की। नाउ नेक्स्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। ये सीट है एब्सोल्यूट रेफरेंस का, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल सेट किया है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट रेफरेंस, और जो अभी हमने रिलेटिव रेफरेंस सीखा था ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, टोटल सैलरी के लिए, और यहाँ पर हमने जो सम किया था वो मैंने इरेज नहीं किया है, जस्ट ये शो करने के लिए कि यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा साथ में, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। जब एब्सोल्यूट रेफरेंस हम सीखेंगे तो रिलेटिव रेफरेंस को भूलना नहीं है, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस? एन एब्सोल्यूट रेफरेंस विल ऑलवेज पॉइंट टू लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल इवन इफ यू कॉपी इट। इट मीन्स ये है कि जब आप कॉपी करते हो तो एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस पर वर्क करता है, बाई डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस रहता है इन एक्सेल सीट, अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज करना है। अब हम बात करते रहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस, लेकिन क्या होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। एक्चुअली जो रिलेटिव रेफरेंस में अभी हमें बड़ा एक एडवांटेज मिला था, वही हमारे लिए कभी कभी डिसएडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज कैसे, कि यहाँ पर पहले मैं करके बताता हूँ डिसएडवांटेज की मैं क्या बात कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। हमने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस में TA और टोटल सैलरी गेट किया था, और इजली हम काफ़ी खुश हो गए थे कि हाँ रिलेटिव रेफरेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं, हमें टोटल सैलरी विद बोनस निकालना है। बोनस अमाउंट अकॉर्डिंगली एवरी मंथ हम चेंज करने वाले हैं सपोज, और मुझे ये फाइल बनाना है, तो मुझे इस सेल से बोनस अमाउंट लेना है। जैसे इस मंथ में मुझे सपोज 5000 सभी एम्प्लॉयज को देना है, तो यहाँ मैं बोनस अमाउंट के साथ सैलरी निकालने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू E3 प्लस बोनस अमाउंट का क्या है, आप देखिए C16। जैसे ही मैंने एंटर किया तो फर्स्ट तो हमारा सही आ गया। ओके 55,000 का 60,000 हो गया। जैसे ही मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ पर, तो ये रिलेटिवली चेंज करेगा, आपको पता ही है। तो इसने क्या किया, रिलेटिवली चेंज किया, यहाँ C17 आ गया। ओके आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ C17 आ रहा है रिलेटिवली। ओके अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर C जो है 18 आ जाएगा, यहाँ C जो है 19 आ जाएगा। तो रिलेटिवली ये चेंज कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर सो फॉर्मूला करके शो भी कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये शो फॉर्मूला करूँगा आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर E3 C16
C17, C18, C19 ऑटोमेटिक चेंज हुआ, बट यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, C16 ही रहना चाहिए। जब मैं ये ड्रैग करूंगा टॉप टू बॉटम तो C16 ही रहना चाहिए। तो अगेन हम वहीं आ जाते हैं जहां थे। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहां पर C16 ही ऑल सेल्स में मुझे चाहिए, C16 को मुझे चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए टू डिफाइन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस प्रेस F4, ये शॉर्टकट की है F4, बिफोर सेल एड्रेस और टाइप डॉलर साइन बिफोर रो और कॉलम, लाइक $C$5, फाइव हमारा रो नंबर है, सी हमारा कॉलम नंबर है, तो दोनों से पहले हम क्या कर देंगे, डॉलर लगा देंगे। तो आप फॉर्मूला बार में जाइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट या तो F4 प्रेस कीजिए, जैसे मैं अभी F4 प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाएगा, तो F4 प्रेस करना है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए यहां पर C3 C16 कॉन्स्टेंटली फिक्स है। ओके, मैं अगेन आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। यहां पर आप अगर फॉर्मूला देखोगे C16 C16 C16, मतलब डॉलर ने क्या किया, उसे फिक्स कर दिया, वो रिलेटिवली उसे चेंज नहीं कर रहा है। ओके, तो डॉलर से क्या हो रहा है, वो रिलेटिवली उसे चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां जब भी आप डॉलर लगाओगे, एक मैं पॉइंट और बताता हूं आपको, एक्चुअली यहां हमने दोनों से पहले डॉलर लगाया है, मतलब जहां पर भी आप डॉलर लगाओगे वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, बस इतना याद रखिए। ऐसा नहीं कि हम दोनों जगह ही डॉलर लगाना है, किसी एक जगह पर भी डॉलर लगा सकते हैं, वो मिक्स्ड रेफरेंस में आएगा। तो वेट फॉर मिक्स्ड रेफरेंस, पहले इसे ही समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो दोनों जगह पर हमने डॉलर लगाया है, यहाँ पर भी अभी तो हमने किया कॉलम वाइज, आई होप ये समझ में आ गया होगा, अदरवाइज वीडियो को अगेन शुरू से देख सकते हो और आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अभी मैं बात करता हूँ रो वाइज निकालते हैं। रो वाइज में भी मैंने क्या प्लान किया है कि मुझे ये सभी इम्प्लॉइज, मतलब यही बोनस के बेसिस पर हम बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर इज इक्वल टू C13 ले लेते हैं। ओके, C13 प्लस और ये C16। ओके, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में दिया है, यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी अगर मैंने अगेन नॉर्मल ड्रैग कर दिया तो अगेन ये रिलेटिवली ले लेगा। ओके, तो देखिए सेम अमाउंट आ रहा है, ऊपर 53,000 है, यहाँ पर भी 53,000 है, इसका मतलब चेंज भी किया, यहाँ चेंज कर दिया क्योंकि उसने रिलेटिवली चेंज कर दिया। मुझे रिलेटिवली चेंज नहीं करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आना है, बस F4 प्रेस करना है, या अभी मैं आपको डॉलर साइन टाइप करके बताता हूँ, तो आप डॉलर साइन टाइप कर दीजिए रो नंबर से भी पहले, कॉलम नंबर से भी पहले, तो ये अनचेंजेबल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ड्रैग करोगे, अभी आप देखोगे सब में 5000 ऐड हो चुका है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, रो वाइज भी प्रैक्टिस करनी है, कॉलम वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की। तो मिक्स्ड रेफरेंस इज वन डेट इज हाफ रिलेटिव एंड हाफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। इट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो मिक्स्ड रेफरेंस को समझने से पहले आपको रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस समझना होगा। ओके, तो अगर आपको रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस समझ में आ गया है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप यहाँ कॉलम वाइज में देखिए, यहाँ हमेशा मिक्स्ड रेफरेंस में ओनली सिंगल डॉलर आएगा। ओके, रो वाइज यहाँ कॉलम वाइज है और यहाँ पर रो वाइज है, आप देख रहे हो सभी जगह मैंने सिंगल डॉलर लगाया है, यहाँ रो नंबर से पहले मैंने डॉलर लगाया, आप अच्छे से देखिए यहाँ रो नंबर से पहले डॉलर साइन है और यहाँ कॉलम नंबर से पहले डॉलर साइन है। ओके, तो रो नंबर से पहले डॉलर आएगा और कॉलम नंबर से पहले डॉलर आएगा, एक ही डॉलर रहेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में टू डॉलर्स आते हैं, आपका रो नंबर से भी पहले और कॉलम नंबर से भी पहले।
अब ये क्या है यहाँ मिक्स रेफरेंस, हम ऐसा क्यों करते हैं? वैसे पूरा काम हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस से हो जाता है, रिलेटिव से भी हो जाता है, मिक्स रेफरेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको लगता है मिक्स रेफरेंस, वैसे देखा जाए कि दोनों जगह डॉलर देने से अच्छा है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉलर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो चेंज क्या होगा? क्या कॉलम चेंज हो रहे हैं? नहीं, केवल रो चेंज हो रहा है। तो दोनों जगह डॉलर लगाने की क्या जरूरत है? ऑलवेज रिमेंबर, जहां आपने डॉलर लगाया है वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर रो नंबर से पहले डॉलर लगाने की जरूरत है, ना कि कॉलम नंबर से पहले। ओके, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तब क्या होगा? कॉलम चेंज होंगे, तो कॉलम से पहले लगाने की जरूरत है, ना कि रो से पहले। तो देखते हैं यहां पर, इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ओके, बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझना है। अभी जैसे सपोज मैंने यहाँ पर टोटल सैलरी, मतलब टोटल सैलरी विद बोनस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो E3 ले लिया प्लस वही यहाँ बोनस C16। जब आप टॉप टू बॉटम ड्रैग करोगे तो क्या चेंज होगा? आप ये देखिए यहाँ पर, क्या C चेंज होगा या 16 चेंज होगा? जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आपका 16 चेंज होगा। ओके, 17, 18, 19 सी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉलम तो हमारा फिक्स है। ओके, तो यहाँ पर जब मैं ड्रैग करूँगा, आप देखिए कि क्या चेंज हो रहा है। आप कॉलम नंबर जो फॉर्मूला बॉक्स है यहाँ पर देखते हुए चलिए, 17, 18, 19, 20 ये चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि सी चेंज नहीं हो रहा है, ओनली ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डॉलर लगा देंगे। तो सी से पहले डॉलर की जरूरत नहीं है, तो अभी ये है कि 16 चेंज नहीं होगा। सी कहीं पर भी 16 चेंज नहीं हो रहा है। आप फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ, उससे और बेटर समझ में आ जाएगा। सो फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप देखिए 16, 16, 16, 16, 16, ओके, चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ ये काम इस टाइप से वर्क कर रहा है। ये हमें समझना है कि जहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, जब मैं रो वाइज जाऊँगा तो क्या होगा? आपका कॉलम चेंज होंगे, तो कॉलम से पहले लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ओके, तो यहाँ मैं करके बताता हूँ, इज इक्वल टू C13 प्लस, अभी सीधा डॉलर ही लगा देते हैं, डॉलर C16, बिकॉज यहाँ पर आपका C को हमें चेंज नहीं करना है। तो देखिए आंसर परफेक्टली करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर C चेंज नहीं हुआ। C आप यहाँ पर देखिए, तो मिक्स्ड रेफरेंस में बस एक ही चीज याद रखनी है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो चेंज क्या होगा। यहाँ 18 है और यहाँ पर BCD, मतलब कॉलम चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कॉलम से पहले आपको लगाना है। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आपको नंबर से पहले लगाना है। अगर आपको $2 की जगह पर सिंगल डॉलर यूज करना है तो आप मिक्स रेफरेंस यूज कर सकते हो, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज कीजिए। ओके, तो ये था एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, YouTube के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कितना समझ में आया और कितना और एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल YB Computer Classes Key to Creative Learning and also hit the like button and share this video to all students, and also you can leave comments if you have any suggestions for me to improve my channel, and you can WhatsApp me on this number 7798161873, and you can mail us ypcomputerclasses@gmail.com.